Clash of Clans. Play now. Hey Clashers, कैसे हैं आप लोग? I hope so, आप लोग बहुत ही शानदार होंगे। So guys, आज का ये वीडियो हम लोग Clash Olympic Hatch Clash of Clans episode number 12 पे आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यार। एंड उसके पहले गाइस मैं बता दूं कि आज ही हम लोग हैश 10 वाले एपिसोड का गिव अवे का विनर को पिक आउट करेंगे और आज हम लोग फिर से एक न्यू गिव अवे करेंगे। मैच नंबर 1 वल्क वर्सेस आइस गोलम। आइस गोलम विल विन, क्या बात है। यहां पे चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो हम लोग के पास इस जगह एक मैक्स वल्क है एंड यहाँ पे सीसी में भी मैक्स, यहाँ पे आइस गोलम है। ओके सो इस जगह हम लोग पहले आइस गोलम को निकालते हैं। ओके ब्रो, सो इस जगह आइस गोलम निकल चुका है और यहाँ पे अब हम लोग वल्क को ड्रॉप करते हैं। तो ये हम लोग का वल्क आ गया और इस जगह फाइट जारी है। सो यहाँ पे देख सकते हो यार, आइस गोलम डिस्ट्रॉय हो गया, हेंस द मेथड्स बर्स्टेड। मैथ्स नंबर 2 आइस गोलम फ्रीज टाइम इज लेस इन डिफेंस एंड मोर इन अटैक। वाओ क्या बात है। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। सो इस जगह मैं सबसे पहले डिफेंस का देख लेता हूँ, उसके बाद अटैक्स का देखेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफेंस का लगाते हैं। ओके सो इस जगह आइस गोलम को हम लोग पहले निकालते हैं। ओके और किंग से जल्दी से डिस्ट्रॉय करवाते हैं। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 सेकेंड का टाइमिंग प्रोवाइड किया है जो फ्रीज टाइम है यहाँ पे डिफेंसिव आइस गोलम का। चलिए यहाँ पे अटैक्स करके देखते हैं आइस गोलम से, अब अटैकिंग टाइम इसका कितना है। सो अटैकिंग टाइम की हम लोग बातें करें तो यहाँ पे मैं डिप्लॉय करता हूँ, ऊपर देख सकते हो यार फूट गया, ठीक है। और यहाँ पे 53, 52, 51, 50, क्या बात है, लगभग 7 सेकेंड है गाइस। 7 सेकेंड अटैकिंग के वक्त यहाँ पे फ्रीज करके रखता है बिल्डिंग को। वाओ ऑसम यार, हेंस द मेथ इज कन्फर्म। मैथ्स नंबर 3 मैक्स पिका कैन टेक आउट मैक्स रॉयल चैंपियन। वाओ चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग मनी पे अटैक्स परफॉर्म करते हैं एंड यहाँ पे मैक्स पिका है और रॉयल चैंपियन भी मैक्स है हम लोग का। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पिका को निकालेंगे, पिका निकल गया है और रॉयल चैम्पियंस को इस जगह हम लोग देते हैं। ओके ओके यहाँ पे रॉयल चैम्पियंस को हम लोग दे चुके हैं, एक शॉट, दो शॉट, तीन शॉट एंड 4 शॉट। ओके 5 शॉट, 6 शॉट, क्या बात है। सो हेंस मिथ इज कन्फर्म्ड। मैथ्स नंबर 4 गॉब्लिन वर्सेस हेस्ट गोलम। हेस्ट गोलम मूव फास्टर। वाओ क्या बात है। यहाँ पे मैं आप लोग को स्प्लिट स्क्रीन करके दिखाऊंगा कि दोनों में से कौन फास्ट चलता है। ओके सो गाइस यहां अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो यहां पे देख सकते हो कि ये मैच ऑलमोस्ट लगभग ड्रॉ हुआ है। एकदम 0.1 सेकेंड की भी बात करें, 0.001 सेकेंड की, तभी हम लोग इस पे कुछ एनालिसिस करके परफेक्ट डाटा ले पाएंगे। बट अभी के लिए हेंस द मैच इज बर्स्टेड। मैच नंबर 5 200 बारबेरियन वर्सेस 1 मैक्स वल्क। वल्क विन, वाओ क्या बात है। चलिए यहाँ पे अटैक्स करते हैं, हम लोग के पास कितना बारबेरियंस है, 200 बारबेरियंस है। ओके लेट्स गो फॉर अटैक। आ चुके हम लोग बैटल फील्ड में, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वल्क को निकालते हैं। सो इस जगह वल्क निकल चुकी है, अब हम लोग बारबेरियन को रिलीज करेंगे। ओके सो यहाँ पे बारबेरियंस को रिलीज करते हैं। ओके मैं बारबेरियंस को रिलीज कर रहा हूँ। क्या बात है, ओ भाई साहब, वाह क्या बात है, पूरे बारबेरियंस के आत्मा हो गए यहाँ पे तो। एंड हेंस द मेथ इज कन्फर्म्ड। वल्क को तो कुछ डैमेज भी नहीं पड़ा भाई साहब। क्लेशर्स चलिए जल्दी से हम लोग अपने विनर्स को पिकआउट करते हैं। यहाँ पे मैं उस वीडियो का लिंक पेस्ट करता हूँ रैंडम कमेंट पिकर सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे देख सकते हैं यही लिंक है, आप लोग चाहें तो एक बार मिला भी सकते हैं लिंक्स को। और यहाँ पे फिल्टर कमेंट्स करते हैं, जो भी बंदा 2 बार कमेंट्स किया हुआ होगा वो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। ओके सो कोई स्पेसिफिक कीवर्ड हम लोग नहीं दिए थे। अब गेट यूट्यूब कमेंट्स करते हैं और हैच 10 वाले एपिसोड से हम लोग विनर्स को पिकआउट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को उसी एपिसोड में अनाउंसमेंट किया था गिववे का। सो 500-600 कमेंट आ चुका है, टोटल 573 यूनिक कमेंट आए हैं गाइज़।
तो यहाँ पे यूनिक कमेंट से हम लोग एक विनर्स को पिक आउट करते हैं और यहाँ पे पिक हो रहा है एंड यूनिक गेमर एसटी भाई यहाँ पे विनर्स बन चुके हैं। इनका कमेंट था, मिथ्स अर्थक्वेक स्पेल एबल टू गिव डैमेज टू ऑल स्टोरेज विल लाइटनिंग स्पेल नॉट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग गाइज देखेंगे कि ये हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं कि नहीं। अगर किए होंगे तो ये विनर्स होंगे, नहीं तो फिर मैं दूसरा विनर को पिकआउट करूँगा। एंड आज की वीडियो में मैं फिर से एक न्यू गोल्ड पास गिवे का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जिसका विनर हम लोग पिकआउट करेंगे हैच 15th एपिसोड में, अगर 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया तो। सो क्रशर्स, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया यार, तो जल्दी से लाइक कर दो यार और फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दो। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को डेली इसी तरह के क्लैश ऑफ क्लैन के वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैच नंबर 6, मैक्स ड्रैगन डिस्ट्रॉय इन 1 मैक्स पॉइजन। वाओ, क्या बात है, हम लोग के पास पॉइजन है। यस गाइस, चलिए अटैक्स करते हैं। यहाँ पे हम लोग के सीसी में मैक्स ड्रैगन है, पहले निकाल लेते हैं ड्रैगन को। ओके, ड्रैगन निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग पॉइजन्स देते हैं। अब आर्चर्स को यहाँ पे बिजी रखते हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रूप्स कंटिन्यूसली डिप्लॉय करते रहेंगे। और भाई मैक्स पॉइजन था एंड यहाँ पे देख सकते हो ड्रैगन अभी पूरी तरह से हेल्थ इसका डैमेज नहीं हुआ है। और मैक्स पॉइजन से मैक्स ड्रैगन्स का हेल्थ पूरा डैमेज नहीं होता यार, थोड़ा सा बच जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हेंस द मेथड्स बर्स्टेड। मैथ्स नंबर 7, 20 मैक्स लेवल आर्चर वर्सेस ड्रैगन, आर्चर विल विन। क्या बात है, चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आ चुके हम लोग अपने बैटल फील्ड में एंड यहाँ पे सीसी मैक्स ड्रैगन है। निकालते हैं ड्रैगन्स को सबसे पहले, यहाँ पे बीच में बुलाते हैं और इधर आ जाओ यार ड्रैगन। एंड यहाँ पे ड्रैगन आ चुका है और इधर बुलाते हैं, परफेक्ट रहेगा फिर। और यहाँ पे अब हम लोग आर्चर को डिप्लॉय करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं 20 आर्चर्स को डिप्लॉय कर देता हूँ। ओके, सो 20 मैक्स आर्चर हम लोग ने डिप्लॉय कर रखा है। और वाओ, क्या बात है, ड्रैगन्स का हेल्थ काफ़ी कम हो गया है एंड हेंस द मेथ इज कन्फर्म्ड। मेथ्स नंबर 8, आप सारे मैक्स अर्थक्वेक स्पेल से TS-13 को भी फोड़ सकते हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हम लोग एक बार ये मिथ्स पहले भी ट्राई किए थे 4 अर्थक्वेक स्पेल के साथ। बट चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली करके फिर से देख लेते हैं, आप लोग चैलेंज दिए हो तो। सो हम लोग आ चुके हैं बैटल फील्ड में, 11 मैक्स हम लोग के पास अर्थक्वेक स्पेल है, सभी को हम लोग रिलीज़ कर देते हैं। ये मैंने टाउन हॉल पर रिलीज़ कर दिया सबको। और देख सकते हो यार, यहाँ पे हेल्थ लगभग 25% तक का हेल्थ अभी भी बचा हुआ है। हेंस द मिथ इज बर्स्टेड। मैच नंबर 9, मैक्स लावा हाउंड वर्सेस रॉयल चैंपियन, लावा हाउंड विल विन विद पप्स। ओके, क्या बात है, चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो इस जगह हम लोग आ चुके हैं अपने बैटल फील्ड में, पहले हम लोग लावा हाउंड को बाहर निकालेंगे। चलिए बैटल स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स गो, देखते हैं क्या सिचुएशन होता है। एंड बहुत कम डैमेज है यार इस जगह, आप लोग देख सकते हो लावा हाउंड का, बेचारा लावा हाउंड। तो यहाँ पे लावा पप्स निकल चुके हैं, अब देखते हैं मेन चीज़ तो यहाँ से अब स्टार्ट होता है गाइज। सो वाओ, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। एंड हेल्थ और भी रिगेन कर चुका है इस जगह रॉयल चैंपियन अपना। एंड फिर भी गाइज इस जगह देख सकते हो जो लावा पप्स हैं उनका डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। 3 लावा पप्स, ओ 2 लावा पप्स बच चुके हैं। हेंस द मेथ इज कन्फर्म, ऑसम ब्रो। मैथ्स नंबर 10, रॉयल चैंपियन सील्ड हेस्ट स्पेल में ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। क्या बात है, चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग सिंगल प्लेयर के सबसे पहले वाले बेसिस पे जाएंगे। ओके, और यहाँ पे आते हैं, अटैक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस नापेंगे गाइज इस जगह कैनन का। ओके, कैनन तक पहुँचने का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नॉर्मल रिलीज़ करता हूँ, हेस्ट शुरू में नहीं डालेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने रिलीज़ किया और टाइमिंग देख सकते हो यार, मैंने टाइमिंग आप लोगों को शो किया हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं हिस्ट सबसे पहले इस पर ड्रॉप डाउन करूँगा और इस जगह रॉयल चैंपियंस एंड उसकी एबिलिटी, रॉयल चैंपियंस आया और एबिलिटी। नहीं भाई, ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सो हेंस द मेथ इज बर्स्टेड।
सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा क्लैश ऑफ क्लैन मिथ्स हैच एपिसोड नंबर 12 का वीडियो, जो कि हम लोग का क्लैश ओलंपिक पे आधारित था। हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारे डेली क्लैश ऑफ क्लैन के वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे।